के कोसली थाना क्षेत्र के गांव में पशु बाड़े में कार्य कर रही एक 60 वर्षीय महिला के साथ एक व्यक्ति ने जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला द्वारा शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार गांव निवासी करीब 60 वर्षीय एक महिला अपने घर के समीप पशु के बाड़े में कार्य कर रही थी। इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति वहां पहुंच गया तथा महिला को अकेली पाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपी ने किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद महिला द्वारा शोर मचाने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज करवाकर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं जांच अधिकारी एएसआई पूनम ने बताया कि शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा। काम कर रही थी घर पे, और मेरे को बुलाया था, बोला के बुरा गई बस बलात्कार कर लिया वहाँ पे। कौन व्यक्ति था वो? था कोसली का रासा। क्या नाम है उनका? सुधीर नाम है। कहाँ का रहने वाले हैं? कोसली का रहने वाला है। कोसली का रहने का? अच्छा। हाँ, ये तो कई बार रोज ना आया करता है। मैंने कई बार बोला आज ना की थी, आज एक बार की बात बताऊंगा क्या। फिर मैं गई अंदर से, फिर नुबरा अंदर से एकदम फिर मेरे में लिपट गया वो, पाड़ दे दिया ना फिर वो। फिर इतने में आवाज दे तेरी छोरी सारी ने, मैं देखते फिर इतने सोनी के नहीं, इतने दूसरे गेट में निकट के भाग लिए ये तन बोलते। हाँ हुआ है। और अब पुलिस कॉल थाने में कह रहा सुनू, बोला खेस ठाल खेस ना के रफा दफा कर ले। मैं क्यों? कौन कह रहा? ताला भी कह रहा था, और वो जो सुधीर वो बैठा था कने वो भी कह रहा था, जो बोलते कार कर ले। हाँ भर लिया पुलिस के सामने। हाँ भर लिया। क्या कहा उसने? बोला कह रहा है मैंने बोल सका जी। उम्र कितनी आपकी? 50-60 हो गए। 50-60 60 साल की है। किस जाति से संबंध रखते हैं आप? हरिजन है वो, हरिजन है। एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए दरखास्त पेश करी है कि सुधीर सनो विजयपाल गांव कोसली ने मेरे साथ दिन के समय मेरे प्लाट में मेरे जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज? धारा 376-452 IPC के तहत दर्ज किया। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।